संसद का शीतकालीन सत्र का दूसरा सप्ताह समाप्त हो गया और कल दोनों ही सदनों में गंभीर विधायी कार्य अपने अंजाम तक पहुंचते दिखे। स्वास्थ्य से लेकर दूरसंचार तक, प्रश्नकाल से लेकर शून्यकाल तक देश हित के महत्वपूर्ण मुद्दे देश के सामने आए। संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान कई अहम सवालों के जवाब दिए गए। राज्यसभा में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्व में यूपीए सरकार के दौरान बीएसएनएल की उपेक्षा की गई थी, जबकि मोदी सरकार ने बीएसएनएल की हालत सुधारने का काम किया है। अब तक हमेशा देश बाहर के देशों पर डिपेंडेंट होता था, उस सेक्टर में एंड टू एंड टेलीकॉम टेक्नोलॉजी स्टैक डेवलप करने का जिम्मा लिया और आज वो टेक्नोलॉजी स्टैक बन के रेडी है 4G और 5G का। बहुत जल्दी बीएसएनएल में, एमटीएनएल में इसका रोल आउट चालू होगा और 5G भी देश का ही बना, देश का ही डेवलप्ड 5G आएगा। विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम के लिए देश में कार्ड बनाने के लिए गति से काम चल रहा है। आज तक हम पर थोड़ी जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसके आधार पर बनाते थे तो कम बनता था, लेकिन हमने सॉफ्टवेयर बेस्ड अभी सिस्टम चालू की है। इस सिस्टम के अनुसार पर डे आज 7 से 8 लाख कार्ड डेली बन रहा है और अगले 4-6 महीने में हम देश में 50 करोड़ लोगों को कार्ड मिले, उस दिशा में गति से काम कर रहे हैं। इससे पहले राज्यसभा में सुबह शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर कार्य स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर चर्चा की मांग की, जिसे उपसभापति ने खारिज कर दिया। सदन में गतिरोध के चलते राज्यसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। मुझे क्यों नहीं बोलने दिया गया? ये तो देश से जुड़ा हुआ मामला है। मैं चेयरमैन का जो डायरेक्शन है उसी के तहत आपको स्पष्ट किया, 267 में नोटिस नहीं है तो जो रूल्स के तहत जो बिजनेस आज का है मैं उसी के तहत जाऊंगा। कोई व्यक्ति अगर बिजनेस को चेंज करना चाहे तो उसकी प्रक्रिया है। मैं उस प्रक्रिया में अपेक्षा करता हूं कि आप उस प्रक्रिया का पालन करें, आप नोटिसेज दें उस प्रक्रिया के तहत, उस रूल्स के तहत और उसमें बहस की मांग करें। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान चाइनीज ऐप के जरिए लोगों को भ्रमित करने और आर्थिक नुकसान पहुंचाए जाने का मुद्दा भी उठा, जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस मसले पर मंत्रालय ने कार्यवाही की है और सरकार के समन्वयकारी प्रयास जारी हैं। द लास्ट 6-7 मंथ्स आई हैव हैड पर्सनली मीटिंग्स विद द आरबीआई रिप्रेजेंटेटिव्स एंड विद माय सेक्रेटरीज इन द मिनिस्ट्री एंड एक्शन फ्रॉम द आरबीआई साइड एंड ऑल्सो फ्रॉम आर साइड हैज बीन आर साइड ऑल्सो इंक्लूसिव ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज बीन इनिशिएटेड इन दिस अ लॉट ऑफ such apps which have been badly misused have also been brought to the attention of MeitY, so there is a coordinated effort to contain such apps and also to take action against those who are misusing. उधर लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सांसदों ने कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। दोपहर बाद संविधान संशोधन विधेयक, अनुसूचित जनजाति तीसरा संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया। दोपहर बाद संसद के दोनों सदनों में सदस्यों के निजी विधेयकों पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि संसद के शीतकालीन सत्र में सदन में कई बार गतिरोध के बावजूद अभी तक दोनों सदनों में काफी हद तक कामकाज सुचारू रूप से देखने को मिला है। ऐसे में उम्मीद है कि अगले हफ्ते से विधायी कामकाज में और प्रगति देखने को मिल सकती है।